फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इन प्यारे प्यारे फूलों को देखकर आपको भी बड़ी खुशी होती है और हमें भी बिल्कुल उतनी ही खुशी होती है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो जब फूल आते हैं तो वो हमारे दिल को एकदम छू जाते हैं और उसमें और भी मज़ा आता है गार्डनिंग करने में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बिल्कुल इसी बात पे है कि हिबिस्कस के प्लांट्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बर्ड्स आएं, भले ही वो छोटे से गमले में ही क्यों ना लगाओ। दोस्तों, तो वो वाली जो चीज़ है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वो बिल्कुल वेस्ट में से ही आपको निकलेगा। दोस्तों, तो देखिए फूल कितने उसके जब हम यूज़ करेंगे तो फूल भी बड़े अच्छे साइज में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैंने लिया है केले का छिलका, जो कि हम लोग खाकर उसके छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे हिबिस्कस के पौधे के लिए वरदान साबित है। इसका यूज़ करके हम लोग ढेरों सारे से फ्लावरिंग हम लोग अपने पौधे से ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। आप चाहें तो इसे कैंची की मदद से भी कर सकते हैं और हाथ के मदद से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल हमें इसी तरीके से, देखिए मैंने कट कर लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें लेना है इसमें एक और चीज़ जो कि है कपूर या फिर कैम्फर, और इसके साथ हम मिक्स करके इसका भी यूज़ करेंगे। तो चलिए, इसको पहले मैं एक पानी ले लिया है मैंने थोड़ा सा, बिकॉज़ मेरे पास 3 गमले हैं तो इतना मैंने लिया हुआ है। अब मैं उसके अंदर जो मेरे जो बनाना पील थे जो मैंने उसको कट किया था वो मैं उसके अंदर डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जो मैंने आपको पहले बताया था जो कपूर है उसका हम लोग पाउडर फॉर्म कर लेंगे। तो देखिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथों को प्रेस करते हुए उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। करने के बाद उसे पूरा अच्छे से आपको मिक्स करना है, डाइल्यूट कर दीजिए, और डाइल्यूट करने के बाद हमें इसे ढक के 2 दिन या फिर 3 दिन, 2 दिन काफ़ी है, 2 दिन हमें इसे ढक कर रख देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया होगा। और कई यूट्यूबर्स बोलते हैं कि इसे 7 से 8 दिन तक रखिए। नहीं, हमें 7 से 8 दिन तक नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना? बिकॉज उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है इसके अंदर दोस्तों। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर कैम्फर डाला हुआ है, क्योंकि जो कैम्फर वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता, बस वो स्मेल आती है उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, केला लेना है और कैम्फर का मिक्सअप करके बिल्कुल सिर्फ 3 दिन तक रखना है। कम से कम 2 दिन तो आपको रखना ही है। और फिर देखिए, इसमें छोटे छोटे मैंने जो है वो डाले हुए हैं। इसका आप यूज़ करेंगे ना अपने हिबिस्कस में, आप सारे फ्लावर में यूज़ कर सकते हो, बट इसके जो बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं वो हिबिस्कस में ही मिलते हैं दोस्तों। तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, इस केले के छिलके को छान लेना है और उस वाटर को हमको और पानी लेके उसके साथ डाइल्यूट करके तब उसे यूज़ करना है। इसका जो रिज़ल्ट है वो अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा है मेरे प्लांट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। फ्रेंड्स, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।